चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान को कोई सुविधा नहीं, बिजली के बिल 3 गुने बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, क्या सुविधा दी किसान को? युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे और उनकी दर बीजेपी की सरकार में 2-3% ज्यादा बढ़ी हुई है। बीजेपी को भगा भगा कर पीट रहे हैं। जयंत चौधरी को लाठी मार दी। हम नहीं चाहते भैया भाजपा सरकार आ जाए, हम चाह लोक दल आवे। नमस्कार साथियों, सीसीएच चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के गांव लिसाड़ में आए हैं। यूपी में चुनाव को मतदान होने के लिए अभी 4 दिन बाकी है, तो अभी हम लिसाड़ गांव में आए हैं, तो लोगों से बात करते हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है। आपका नाम? चंद्रपाल सिंह। अच्छा, अभी चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव, किसका माहौल इधर अभी बन रहा है? देखो, हर आदमी की अपनी भी सोच है, लेकिन 14 के विपरीत दिखाई दे रहा है। अब उसमें क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन 14 के ठीक विपरीत दिख रहा है। क्या मतलब विपरीत क्यों, 14 के बाद ये मतलब ऐसा क्या हुआ जो विपरीत हो गया? जो सरकार होती है, कोई सरकार, कोई भी नुमाइंदा होता है या कोई भी पार्टी होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां जरूर निकलती हैं। आपके हिसाब से क्या कमियां सरकार में रही है? मतलब किसानी के अगर मुद्दे की बात हम करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, ये सारी कमियां जो उनसे आपने गिनवाई। महंगाई चरम पर पहुँच गई, किसान 13 महीने वहाँ लौट करके आया है। जब किसान का इतना फिक्र था, किसान को अन्नदाता मानते थे और अन्नदाता मानते हैं, तो 13 महीने बाद की उनकी सुनवाई याद आई, उनकी याद आई। 13 महीने पहले 12 बार वार्ता हुई और वार्ता में कहते, जो आप कह रहे हैं हम जाकर प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, क्या प्रधानमंत्री उस समय सुन रहे थे इनकी आवाज़? ये जो नुमाइंदे आते थे, क्या उनकी आवाज़ बताते नहीं थे? जबकि प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम MP सब क्षेत्र में भेजे कि असलियत जानो, इनकी असलियत क्या है, लेकिन उन्होंने असलियत नहीं बताई। सुरेश राणा पश्चिम उत्तर प्रदेश का घर का मंत्री माना, गन्ना बेल्ट है और हमारे घर का मंत्री बन गया, गन्ना मंत्री, हमारा पेमेंट बहुत अच्छा होगा, जिस फसल को हम पैदा कर रहे हैं उसको हमने जो है मील वाले को दे दी या किसी सरमाएदार को दे दी और पैसा मिलेगा नहीं, तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या है चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? जयंत ने सन्नाड़ का चला दिया, अब पश्चिम चलेगा, पूर्व तक सफा होता जा रहा, फूल बहेगा जा लिया नदी में, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को कोई सुविधा नहीं, बिजली के बिल 3 गुने बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, क्या सुविधा दी किसान को? तेरा बिना किसान रहा लट्ठू, तो पिटवा दिया, जयंत वहाँ गया वो पिटवा दिया, उदन भी तो यही सरकार थी, आज कहाँ गई है सरकार, आज अट्टू पूछती फिर यार, उदन भी तो यही जाट थे, उदन पिटे लग रहे थे। लेकिन अभी अमित शाह जी ने 250 जाट नेताओं के साथ मीटिंग की और कोई नहीं मान रहा, कौन भी जाट ही जो उनकी मीटिंग पूरी यूपी में कौन जान रहा। अभी योगी जी का एक बयान भी आया था, उन्होंने बोला था कि ये चुनाव जो है 80-20 होगा, इस बयान को लेकर क्या राय रखते हैं? इस पर तो भाई 10% तो रहेगी भाजपा और 90% जाएगा राष्ट्रीय लोकदल। 2014 की हम बात करें, 17-19 की बात करें, ऐसा क्या हुआ था तो इधर से बीजेपी तो को लहर दंगा हुआ था सन 2000। अच्छा, तो अभी कितना खत्म हुआ है? सारा 90% सब खत्म, 10% वही है जो लोग पहले तक रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहा। 2014-17 के बाद जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, दंगा हुआ 2013 में जी। जब दंगा हुआ, दंगे में जो पीड़ित हुए, उस समय जो है भाजपा के मंत्री संतरी ये कहाँ गए थे? जो आज जो है 9 साल के बाद जो घाव वो भर गया, जो घाव शांत हो गया, उसे कुरेद रहे हैं। तो उस समय दंगे की लहर की वजह से 2000 चुनाव में भाजपा को बेनिफिट हिंदू मुस्लिम का मिल गया था, और अब भी ये उसे ही याद दिलवा के चुनाव को जातिवाद पर ले जाना चाह रहे हैं, जबकि जनता इनकी बात को समझ के स्वयं ही अपना आप पलट गई, पलटा किसी ने नहीं, अपने आप दिमाग में आती है। जी भैया, रोहित मलिक, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार? जी चुनाव में एक तो तीन मुद्दे हैं सबसे बड़े, तो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का। ना तो किसान खुश है सरकार से, ना युवा खुश है जी, और ना ही किसी और फील्ड में, लगभग लगभग देख लो कोई भी खुश नहीं है। 3 साल से मैं तो फौज की भर्ती आई कोई,
देख लो 3 साल से रेस कर रहे, कोई छोड़ दे कोई रेस कर ले, 3 साल से बराबर नोटिफिकेशन आ रही कि अब भर्ती होगी, अब भर्ती होगी, अब भर्ती होगी, हर बार पोस्टपोन कर दे जा, बहाना किसका लगा दे जा, कोरोना का। कोरोना के वजह से ना तो चुनाव में रैलियों पर रोक है, ना ही किसी और प्रकार की भीड़ भड़क के में ना कोई रोक है। बंगाल केवल कोरोना में केवल आर्मी की भर्ती पर रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? 3 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही, जबकि आर्मी की रिलेशन की भर्ती और स्पोर्ट की भर्ती बरकरार चल रही। केवल इसी में भीड़ बता के ये कोरोना को भर्ती को रोकता है बार बार, कोरोना को बता के। और उम्र लिखट गई सबकी 20-23 साल सबकी होली लगभग लगभग 3 साल से रेस कर रही, 18 साल से 21 साल तक उम्र होती है और सबकी निकल गई 3 साल में उम्र। तो बताओ उनका ना तो उम्र पर कोई गवर्नमेंट कह रही है हमें जवान चाह हम उड्डेन चाहते, वे उम्र में कोई राहत नहीं दे रही। तो बताओ कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है, अभी दावा किया है कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां और 4.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 4.5 लाख उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 60% युवा है और 60% युवा में ज्यादातर बेरोजगार घूम रहे। 4 लाख युवाओं को रोजगार देने से क्या परेशानी हल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि हर साल 2.5 लाख तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेबल भर्ती होंगी पुलिस में, 1 लाख कॉन्स्टेबल भर्ती नहीं हुए, 1.5 लाख कॉन्स्टेबल कहाँ जाएंगे? और जबकि कॉन्स्टेबल कहा था उसमें 1.5 लाख में से भी 40-50 हज़ार PSC के जवान हैं। और UP SSC हर योजना में एक भर्ती पटवारी किया हुआ थी, एक भर्ती अब की बार पैट लगा दिया। यू पैट का फॉर्म अलग से भरेंगे, उसकी फीस अलग से देंगे गवर्नमेंट को। हर प्रकार का टैक्स ज़्यादा जा रहा है और गवर्नमेंट बिल्कुल भी डेवलपमेंट कर नहीं रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 72% टैक्स जाता है, 72% का वापस मिलता है इनको, केवल 18%, 4 गुना टैक्स कम मिलता है हमें। हमारा दिया हुआ भी 4%, 4 गुना कम मिलता है हमारा। और 1.5-2 साल हो जाते हैं गवर्नमेंट को भर्ती पूरी नहीं कराती। अगर कोई भर्ती अंतिम चरण तक पहुंचती है तो आखिरी में चल जाएगा, कोर्ट में गिर जाती है, 2-3 साल उसमें निकल जाते हैं। युवा परेशान होकर बैठ जाता है, युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे और उनकी दर BJP की सरकार में 2-3% ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी UP TET का पेपर भी लीक हुआ था और योगी सरकार में लगभग 10 बड़े एग्जाम के मतलब लीक हुआ है। हमारे पास आओ, जो भी गवर्नमेंट का पेपर लीक होगा बगैर गवर्नमेंट की साजिश से कभी बगैर साजिश के नहीं लीक हो सकता। किसी दूसरे पर आरोप लगाना गलत है, सरकार का ही नुमिंदा होगा जो लीक करवाओगा। प्रधानमंत्री ने पीछे कहा था कि ला पकौड़े तलो, ये पकौड़े तलने खतर लग रहे करके देना पड़ा, पकौड़े तल का काम चल जाएगा। बताओ आप भी क्या लग रहा है चुनाव? चुनाव तो एक तरफा है, बिल्कुल जैन चौधरी का ही चुनाव में केरा टकरा रही, ये नो कहते हैं 80-20 है। एक तरफा क्यों मतलब है, क्यों जैन को जिता रहे? योगी ने नारा दिया है भी, कल भी सामने में आ रहे थे, कह लगा 80-20 का है, 20 में तो हमें बता रहे थे, 80 में भाजपा वाले माने थे, ये हम 20 में तो सुधा सौ पर पूछाओगे जैन चौधरी को। एक बयान भी आया था कि कैराना और मुजफ्फरनगर यहाँ गर्मी दिखाई दे रही है, तो 10 मार्च के बाद हम चिंता ना करो, गर्मी तो गोरखपुर छोड़ के भेजेंगे यार, गोरखपुर के मठ में बांट देंगे, वही बांट देंगे इबे तो। हां नदी पे कुछ आगी गर्मी तो इबे जी। चल योगी मंदिर जी, आपका नाम? चल योगी मंदिर में, नहीं मंदिर में क्यों पहुंचा रहे हो? तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, विकास करा रहे हैं और गुंडागर्दी खत्म उन्होंने कर दिया है। अभी अभी एक हफ्ता पहले 11-12 पड़ी गई हमारे गांव में BJP के राज में, एक हफ्ता पहले भाजपा छोड़ और पटी में भाजपा कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं मारा के करके में, और पटी भी BJP ओड़ूगी, चोरी भी BJP ओड़ूगी हुई। आप कुछ कह रहे थे भाई? गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, जो UP 100 लाई हुई है उसकी वजह से ही तो गुंडागर्दी खत्म हमारे इलाके में। किसकी लाई हुई है? अखिलेश की लाई हुई है, इसकी वजह से गुंडागर्दी खत्म हुई। ये तो कहते उड़ा दिए, जो गुंडे इन्होंने कहा एनकाउंटर करे, एनकाउंटर वे करे जोन से इनके खिलाफ हो गए, गुंडे खिलाफ थे, गुंडे आज भी जिंदा है, कौन है, कौन मर गया उन्होंने बताओ? अरे हमारे इलाके में आज भी चोरी हो, किसने कहा होती नहीं। केंद्रीय मंत्री संजय बालान डॉक्टर साहब का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन सिर्फ ऊपर ही हुआ है, नीचे धरातल पे नहीं हुआ है, मतलब जाट और मुस्लिम ये सब लोग साथ नहीं आ रहे हैं। फिर अगर गठबंधन, अगर गठबंधन धरातल पर नहीं हुआ तो BJP वालों को सिक्योरिटी लेकर गांव में घुसने की जरूरत क्या पड़ रही? ये सिक्योरिटी लेके क्यों करे? पहले पहले जो इलेक्शन हुए उसमें तो बेधड़क होकर घूम के प्रचार की जरूरत, विरोध क्यों हो रहा धरातल पे जब इतना अच्छा काम होता करा? कोई भी गाँव ऐसा नहीं जिसमें BJP वाले बगैर पुलिस के या सिक्योरिटी के घुस जा। कल खुद मुख्यमंत्री खुद हेलमेट पहन का आया शामली के अंदर, जो हमारी गर्मी ठंडी करा था, खुद पहन का हेलमेट के बाद इसकी गर्मी। अभी
एक बयान आया बीच बीच की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि दो लड़कों के जोड़े आ रहे हैं दंगा कराने के लिए, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? वो किन लोगों को, किसको बोला गया? देखो जैन चौधरी के ना बाबा पे कोई ब्लेम है ना उसके चौधरी अजीत सिंह पे और ना जयंत पे, आज तक कोई भी या इतिहास में चाहे कहीं में भी दिखा दो अगर उन्होंने तीनों ने बाबा ने या बेटे ने या पोते ने कुछ भी करा हो। हमें भाजपा सरकार से कुछ नहीं प्राप्त है, हम नहीं चाहते भैया भाजपा सरकार आ जाए, हम चाह लोक दल आवे। अब की बार हम लोक दल की वोट देंगे भाजपा को, बल्कि बिल्कुल वोट देने के, पता हो क्यों? मेरे अंदर 6 घने हैं भाजपा के, जो मेरा काम है वो काम नहीं हुआ आज तक, 4 साल हो लिया आज तक मेरा राशन नहीं बना भाजपा सरकार में, और मैं कुकर भाजपा को वोट दे दूँ? बिल्कुल नहीं वोट देने का। जनता छक ली 7-9 साल मैंने तो छक ली, जनता बदलाव चाह रही है, यूपी में बदलाव होगा, बदलाव होगा, भाजपा हिंदी चालू हुई थी और यही खत्म हो जाएगी में भाजपा का सब आया हो जाएगा। हाथरस में जो कांड हुआ था लड़की को जला दिया और जयंत पर लाठी चार्ज हुई थी, अरे इसी के तो बदला देगा, जयंत का मारा लाठी लग रही, इस लाठी का बदला लाठी देगा, बिल्कुल वोट का बदला देगा, लाठी इंसाफ दिलाने के नाम का हाथरस में वो लाठी लग रही नहीं, जाट का जयंत चौधरी का मारा लग रही, वह मेरे इस सीने में लग रही, मारा हमने खे रखी हुई है, अरे बीजेपी पुलिस के प्रशासन ये दबाव बना रहे, पर इनके दबाव बनने से कोई डर नहीं रहा। लेकिन अभी हम शामली विधानसभा सीट के गांव लिसाड़ में थे, हमने यहां पे लोगों से बात की तो लोगों ने चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। सीसीए चुनावी खबरें आप तक आती रहिए, जुड़े रहिए चलते अभियान के साथ। धन्यवाद।